पुरुषों की भी इज्जत करो, महिलाओं की भी इज्जत करो, और सिर्फ मैं अपने घर की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ। अब जाकर ना सही सही बोला है आपने, हैं ऐसा ना ही किया करो, हैं कि बस इन्होंने ही स्ट्रगल किया, हमने ही झेला। दुनिया समाज में न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने का का झेला है। अब आप ही देख लीजिए, आपके एक्स का लगेंगे बहनों ही, उनकी माँ ने कितना झेला, और झेलावे वाले आप ही के घर परिवार के आसपास के लोग, आप ही के वो गाली गलौज वाले चैनल, आप ही की बहनियाँ। बताइए, आप बोल रहे हो महिलाओं की इज्जत करो, भाई जिद जी थोड़ा सा इज्जत करवा दीजिए मम्मी जी की, हैं आपकी बहनोई की, कागजी बहनोई की माँ हैं, और उनकी बहन के बारे में कितना गंदा गंदा बोला जाता है। और उस आदमी के बारे में भी आपने बोला ना, पुरुषों की भी इज्जत करो। तो देखिए जिद जी, गलत बात हो रही है। आप थोड़ा अपनी छोटकी बहनिया से बोलिए, वो मालकिन है ना, तो मालकिन थोड़ा डांट लगाओ। ऐसे थोड़ी ना होता कि मुँह माँ जो है अनर्गल से अनर्गल सब बक्का करो, हैं थोड़ा सा डांट लगाइए, आपका पूरा अधिकार है। बाकी चीज़ों में तो आप पूरा अधिकार ले लेते हैं, अब जहाँ पे आपको अधिकार लेना चाहिए वहाँ पे आप नहीं ले रही हैं। और नोना जिज्जा को भी थोड़ा सा बात बात कराइए, कहा कि जनता जनार्दन मान नहीं रही है। जनता जनार्दन कह रही है वर इज नोना, हैं भाई नोना जिज्जा को अब होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, अब जिम्मेदारी से कुछ आ ही नहीं रहे हो सामने। तो भाई देख दाख लो, जनता जनार्दन बहुत ही ज़्यादा कुताए रही है, वो सारी चीज़ें गलत रास्ते में जा रही हैं, देख दाख लीजिए। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिज्जी के बाल, जिज्जी का हेयर स्टाइल, जिज्जी का ख्याल, जिज्जी का खाना, जिज्जी का बवाल, बहुत सारी बातों पे होगी रंगारंग बातें। शाम के बजे हैं 4:30, का है आपका विचार। अरे नहीं नहीं, अभी मेरे साथ नहीं बजे हैं 4:30। जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी चाय की दीवानी 4:30 बजे आती हैं, हैं हमार झूठ की दीवानी, और फिर बनाती हैं अचार विचार प्रकार। आज भाई बाल बनाए गए हैं। वैसे तो हमार जिज्जी का फेवरेट काम है टरु वालों को बनाना, टरु वालों को गुमराह करना, लेकिन आजकल बाल भी बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। पूछो क्यों? अब भाई अपने आप को एकदम इस स्थिति में दिखाना है कि मैं अपने आप से मतलब रख रही हूँ, मुझे ना किसी की लाइफ से, ना किसी इंसान से, और ना ही किसी से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को तुम लोग टारगेट करोगे। अच्छा, बहन के मुद्दे में बोल रही है, हस्बैंड वाइफ का मुद्दा है उसमें भी जाके बोल रही है। देखिए अब जिज्जी नहीं बोल रही, तब भी टरु वाले कह रहे हैं कि जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी के टरु वाले, कि भाई तुमको अपनी बहन के बारे में बिल्कुल लगाव नहीं है, और तुम अपनी बहन के बारे में कुछ वार्तालाप नहीं कर रहे हो, उसके दुख बारे में अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर रहे हो। पर अब अगर ये हमारी जिज्जी बोल दे कुछ हो, तब इतना सा कुछ बोल दे, है ना, तो छोटकन्नी जिज्जी के टरु वाले फिर से आए कि हाँ आग बबूला हो जाएंगे, हैं कि भाई साहब तुमने कैसे बोला, हैं ऐसे कैसे बोल दिया। तो भाई वैसे जिज्जी बोलेगी तो भी कही जाएगी, ना बोलेगी तो भी कही जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जिज्जी का महत्वपूर्ण योगदान जो है, बोलेगी तो ये होगा कि भाई मौका दस्तूर है कंट्रोवर्सी में कूद के पैसा कमा रही, और नहीं बोलेगी तो यूँ कहा जाएगा कि भाई इस हालात जज्बात जो भी हैं आजकल हमारे छोटकन्नी जिज्जी के, यहाँ तक का जो रास्ता लावा है वो हमारे जिज्जी ने ही लावा है। भाई बहन आपको भी कॉल करती है, आपकी भी बहन होंगी भाई होंगे, उनको कॉल करके उल्टी सुलटी सलाह थोड़े दोगे? हाँ, अगर उनका नहीं का शादी हुआ है और आपसे वो उल्टे पुलटे जवाब मांग रहे हैं, तो उनको दुई तमाचा जड़ के कहोगे सुन लो, नहीं का घर है ना, तो तनिक से सीखो, समझो, जानो, बूझो, हम का छोटी छोटी हग्गी मोती सुनावा करती हुए अपन घर परिवार समझो। लेकिन हमार जिज्जी ने ना उसमें विशेष योगदान दे दिया। अभी का यूँ मतलब नहीं है कि अगर वाकई में किसी के ऊपर रियल अत्याचार हो रहे हैं, या उस घर में किसी नए घर में आप जुड़े हैं, आपका भाई या बहन या कोई भी परेशान है, तो आप उस पर उसका सहयोग नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे। पर जिज्जी का इतना बड़ा कोई कष्ट था ही नहीं। तो ऐसे लोगों पे ना तमाम लोग होते हैं जो ये आवाज़ देते हैं कि भाई देखो नई जगह गई हो तो थोड़ा अपने हिसाब किताब से समझो, बूझो, जानो, छोटी छोटी बात को यहाँ लेके बयाना न बांटे आ जावा करो, थोड़ा आपस में समझो बूझो। लेकिन यहाँ पर ये किसी ने नहीं किया, तो इस वजह से भाई साहब हमारी जिज्जी का योगदान तो है ही है। इस योगदान के खातिर अब वो बोलेगी तो भी बोली जाएगी, और नहीं बोलेगी तो भी बोली जाएगी, हैं कि देखो ऐसे ऐसे एंजॉय कर रही है, आज हेयर स्टाइल बनाए जा रही है, रोज़ टरु वालों को बनाती थी,
सैलड वैलड वाला खाना। अच्छा जिजी ने एक चीज़ और क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सैलड ही खाती हूँ। मैंने बोल दिया था ना कि जिजी आजकल सैलड खा रही है, खाना वाना इसको नहीं कहते, इसको सलाद कहते हैं हमारे यहाँ सबके यहाँ। तो जिजी बोली कि ऐसा नहीं है, वो रोटी भी खाती है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाती है वो डाइट वाला खाना। देखो जिजी, हमको पता है कि आप आऊँ माऊँ चाव भी खाती हो जब बाहर जाती हो, लेकिन आपको यहाँ पर अब एक अच्छा डाइटिशियन जो बन रहा है ना, अभी देखो ये सिलबट्टा उलबट्टा आया, उसकी भी रील उल मिलेंगी, क्योंकि सबको पता है कि यूट्यूब पे तो पैसा है ही है। ये जो बड़का बड़का इन्फ्लुएंसर है, ये इंस्टाग्राम पर भी ना भाई, जिसकी रील की जितनी रीच है और जितने ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं, उतने ज़्यादा भाई ब्रांड प्रमोशन यूहू एक्टिविटी बहुत मिल जाती हैं, तो वहाँ पर माँ कसम पैसे पैसा। तो बहुत लोग तो आजकल ना यूट्यूब पे कम ही ध्यान देते हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉलोअर बढ़ाओ और भाई वहाँ पर अपनी दुकान चलाओ, कभी इधर से ब्रांड मिल रहा है, कभी उधर से किसी कपड़े का, किसी प्रोडक्ट का है, तो भाई साहब वहाँ पर ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है, और वहाँ पर ज़्यादा इतनी बकवास भी नहीं करनी पड़ती है, कुछ सेकंड की रील बनानी पड़ती है और उसमें उस प्रोडक्ट को बताना होता है, उसके गुनगुनाने होते हैं, भले वो गुनी प्रोडक्ट ना हो, फिर भी आपको ना उसमें झूठ वूठ बोल के दो चार चीज़ें ऐड कर देनी होती हैं। तो अब इसलिए हमारे जिजी यूट्यूब को थोड़ा सा नीचे कर रही है और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस कर रही है। बार बार लगातार हर यूट्यूब के वीडियो में क्या बोलती हैं, मैंने एक रील बनाई फिर वहाँ पे डाला और वहाँ पे लोग कर रहे हैं बवाल। मतलब हमारे जिजी वहाँ पर ऐसा ऐसा खाना डाल रही है, मतलब जो भाई आजकल आ रहा है, कोई रील पे 16,000, कोई रील पे 5,000, किसी पे 17,000 है ना, तो तमाम लोग भाई पसंद कर रहे हैं ऐसे खाने को जो टरू वाले हैं जिजी के। और कुछ लोग तो भाई ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि बवाल हो जावे। हमें तो लग रहा है जिसने लिखा है ना, छुटकन्नी जिजी की टरू वाली हैं, या फिर भाई छुटकन्नी जिजी की शुभ चिंतक हैं। अब इनका सोचना यूँ है कि बहन का घर उजाड़ दिया है क्या, मस्त भोजन कर रही है, हाय दैयर दैया, इतनन पर नहीं रुकी, लिख दिन शेम ऑन यू, तुमको ना वहाँ होना चाहिए। अरे का बात कर रही हो भाई, अगर हमारी जिजी वहाँ होगी तो भाई तमाम लोग गरियाएंगे, तमाम लोग ऐसे ऐसे सवाल उठाएंगे हैं कि आई गई फिर से यहाँ पर घी डालने क्योंकि ऐसे तमाम अवसर पे हमारी जिजी अपनी छुटकन्नी के साथ पाई गई है। ए मिस्टर कानपुर कानपुर ना करना है, वरना मैं तुमको बहुत अच्छे से सबक सिखा दूंगी, हैं तुमको ना ऊपर से लेकर नीचे पटक के मारूंगी। भाई जिजी ने तमाम ऐसी बातें बोली हैं, और कीचड़ उचड़ वाला तो आपको पता है। तो हमारे जिजी का कुल मिला के जो योगदान रहा है वो थोड़ा सा गंदा रहा है। तो इस समय जिजी इसीलिए ज़्यादा हेट का शिकार बन रही हैं तो ना समझ सकते हैं आप लोग, और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि हमारे जिजी की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए जिजी अभी सिर्फ चाहे 10,000 व्यूज़ आवा, चाहे 15,000, चाहे 11,000, सिर्फ अपना कंटेंट बनाती हैं, बीच में कुछ ऐसा बोल ज़रूर देती है कि भाई सामने वाला बंदा थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और हाँ विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाती है कि इन इन बातों का किसी ऐसे वैसे विवादित लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लोग मेरी बातों को इधर उधर न जाने किधर किधर जोड़ देते हैं, हैं? चालाक होशियार जिजी। खैर यहाँ पर तो कुनबा में ये सबके अंदर है, चालाकी और होशियारी। भाई सारा वो सब फुग्गा उग्गा लगावे के बाद, इधर उधर काम वाम करे के बाद जिजी हमार का आती है, बाल वाल बनाए के, क्रीम उरीम लगाए के, दो चार लेयर धूप में, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। अरे नहीं चल झूठी, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गया, सॉरी, आई एम सॉरी जिजी। बात वो है कि हमने देखा नहीं आपका यू नेचुरल ग्लो, या सूरज वाला ग्लो, या रोशनी वाला ग्लो, खैर जैसा भी ग्लो है, ग्लो तो ग्लो होता है। तो जिजी का हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और जिजी को दो चार स्प्रे भी बता देना टरू वालों। आजकल तुम लोग ना सिर्फ जिजी को गरियाने काम कर रहे हो, उनका एको काम धाम नहीं कर रहे हो। वो तुमसे कब से गुहार लगा रही हैं कि बता दो भैया हम अपने बालन को कैसे, अगर क्रूर सिंह जैसा खड़ा करें तो खड़ा रहें, कर्ल कर लें तो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई स्प्रे अगर जानते हो तो जिजी को लिंक भेज देना, जिजी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगी। हैं कितना अच्छा कंटेंट बनाते हैं यार, कसम से गजब, ऐसा कंटेंट आपने कहीं देखा है?
इतना ही देखा होगा। तमाम लोग भाई जिज्जा को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे जिज्जी कहाँ दिखाती है, खाना पानी ख़त्म कहानी। जिज्जा के बारे में तमाम लोग जो नए लोग जुड़े हैं वो सवाल सोचते रहते हैं कि अकेले काहे रहती हैं। कबो कबो भाई जो इनका हेल्पर है उससे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इनकी ज़िंदगानी में। ना कोई आता है ना जाता है, आता जाता है, लेकिन जिज्जी के हिसाब से सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो वीडियो मार सके, इसलिए हमारी जिज्जी नहीं दिखाती है। अब बताइए सामने वाले बंदे का ध्यान नहीं रखेगी? अरे भैया का पता वो कहीं चैनल खोल ले हैं और कह दे कि हम झूठ की दीवानी की सहेली हैं, याद करो जब हम मिलने गए थे हैं, तो जिज्जी का नाम लेके ना अगर वो कहीं आगे बढ़ेगा हुआ तो। जिज्जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए आज तक जिज्जी ने अपने किसी रिश्तेदार को भाई लॉन्च नहीं किया। हाँ भाभी जी के ऊपर एक अलग प्यार आ रहा है, दिल्ली वाली भाभी। तो दिल्ली वाली भाभी का कुछ दिन पहले प्रचार प्रसार किया गया है। फिर दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद भाई जिज्जी ने महिला दिवस और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सबको दी हैं, और हाँ बोला है कि भाई औरतों की इज्जत करो। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों की ना करो, क्योंकि भाई बार बार लोग टारगेट कर देते हैं ना कि उनका का। और जैसे जिज्जी ने ज्ञान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें शुरू करी, फिर से एक नोट ऐड कर दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि का सिर्फ तुम्हारी माँ ने स्ट्रगल किया, तुम्हारी ही फैमिली सब कुछ झेली है। तो जिज्जी ने इस बार सुधार कर दिया, उसमें ऐड कर दिया कि यहाँ सिर्फ मैं अपनी माँ अपनी फैमिली के बारे में वार्तालाप नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हर उस महिला की बात कर रही हूँ। हर महिला अपने आप में एक अलग भूमिका निभाती है, और अगर महिला के बारे में आप डिफाइन करने लग जाओ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जिज्जी ने इतना कही कहना पल्ला झाड़ना है उसे समझा, क्योंकि भाई कुछ ऐसी बातें बोल देंगे मुंह से निकल जाएगी सच्चाई वाली। अभी बहुत कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल है, कि भाई कुछ ऐसी वैसी बातें निकल गई। और पुरुषों के बारे में भी जिज्जी ने कुछ ऐसे बोला कि भाई पुरुषों की भी थोड़ी सी इज्जत करो। जिज्जी थोड़ा अपनी बहन से और थोड़ा जो गाली गलौज वाले चैनल हैं उनसे पुरुषों की इज्जत करवा दीजिए हैं, और महिलाओं की भी इज्जत करा दीजिए, वो भी तो महिला ही हैं। बातचीत करने का एक तरीका होता है, शब्दों का चयन करने का हंसी मजाक दूसरी चीज़ हो गई, पर ये कौन सी लैंग्वेज है हैं, ये वो हैं वो हैं उनका इनके साथ ऐसा फलान ढमाक, भाई ऐसे शब्द तो मुँह से निकाले भी नहीं जाते हैं। तो जिज्जी थोड़ा ज्ञान का प्रकाश उधर भी डाल दीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ना कुछ अज्ञानी लोग इतना गंद पाए हैं कि हम का ही बताएं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए जी एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।